आज हमें आपका दर्शन यहाँ रेडियो में हुआ और आपने तो जमाना देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, अच्छे अच्छे गुणियों का आपका सत्संग रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बड़े बूढ़ों के विषय में कुछ जानूं, तो मुझे कृपया करके बताने का कष्ट करें। जो कुछ मालूम होगा तो मैं हाँ कहूंगी, ये है ऐसा कहूंगी, नहीं जानती होगी तो ना कहूंगी, मैं नहीं जानती। ऐसा है माई कि जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें हमने नहीं देखा है लेकिन जिन्हें आपने देखा है, तो उनके विषय में अगर हम कुछ जानना चाहें तो प्रत्यक्ष है कि हमें आपसे जानना होगा। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किए हैं। आपके गुरुदेव का नाम क्या था? मेरे गुरु जी हाँ, नजीर खान। नजीर खान साहब कहाँ? उनके बड़े भाई छज्जू खान। अच्छा। और इनसे छोटे खान हुसैन खान। तो ये नजीर खान साहब कहाँ के रहने वाले थे? रामपुर और मुरादाबाद। अच्छा, ये इसमें उत्तर प्रदेश में। अच्छा ठीक है। तो नजीर खान साहब से जब आपने तालीम लेना शुरू की तो भला क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? मैं समझी ना आप क्या। उस समय आपकी आयु भला क्या होगी? आठ वर्ष की। आठ वर्ष की आयु में आपने संगीत का अभ्यास आरंभ किया जी। तो और कितने जमाने तक आपकी शिक्षा चली? साढ़े तीन दिन, पांच वर्ष। पांच वर्ष तक? साढ़े तीन वर्ष एमन जी और डेढ़ वर्ष भैरवी। साढ़े तीन वर्ष एमन और डेढ़ वर्ष भैरवी। पांच साल तो नजीर खान साहब ने ये कराया आपको? एक ही कराया, आजू बाजू के लोग कंटाले। अच्छा अच्छा, बड़बड़ करने लगे, ये करने, लेकिन ये करवाया। मिल क्या हो गया इनको, साढ़े तीन साल तक एमन करा रहे हैं, आखिर क्या? ठीक है, तो उनकी अपनी पद्धति थी, अपनी विधि थी। अच्छा, तो उन्होंने ये साढ़े तीन साल तक आपको एमएन ही क्यों कराया, क्या फायदा था इसका? ये फायदा था, वो कहते थे, वो मैं कहूँ और मेरे को भी अभी मालूम होता है ये उम्र में जी, ये सब तीव्र सुर की रागनी। अच्छा, कल्याण साठ सारे चले हुए सुर आ गए? चले हुए। ठीक बात है। तीव्र मैं हिंदुस्तानी बोलता, अगर आपके भाषा में बोलना तो तीव्र सुर की रागनी। ठीक है, जो तीव्र सुर के थाट आएंगे उसको हमको सिखाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ठीक बात है। नहीं, पहले तीव्र सुर सिद्ध करा दूंगा, साढ़े तीन बरस। ठीक बात है। और उसके बाद डेढ़ बरस जो कराए भैरवी, भैरवी कराई, तो भैरवी ये रागनी बारह स्वर की है। हाँ ठीक है। तो बारह स्वर की रागनी जो बारह स्वर जान लिए तो आपको भैरव थाट की जितनी रागनियां हैं, ठीक है, जो कोमल जिसको कहते हैं आप, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है भाई, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। नहीं कहती हूँ क्या, तो कोमल मेरे को सिखाने की जरूरत, वादी समवादी अनुवादी ये तीनों कहूँ तो तू भरेगी। ठीक बात है, ये भरेगी। अच्छा ठीक है, यानी पहले तो उन्होंने आपको तीव्र स्वरों का एक ठाट करा दिया और उसके बाद भी कोमल स्वरों का, फिर बारह के बारह स्वर हो गए। तो कहूँ आपको जी, आप दूसरी तो आप तो जानकार हैं और जब प्रश्न पूछते हो ये भी जरूर है। अभी सात हो गया, ऋषभ ऊपर ऋषभ को वादी किया जी, एक राग में जी, तो ऋषभ जो वादी, ऋषभ को स्वर जो बनाया तो कौन सी रागनी बनेगी? ठीक है। गंडार वादी किया तो कौन सी रागनी बनेगी? ठीक है। ऐसी बारह स्वरों में उन्होंने रागनी बनाया हमको बता दिया था। ठीक है, यानी जैसे कि उन्होंने आपको एमन कराया तो भाई एमन के ऋषभ को सामान्य से कौन सा राग या ठाट बनेगा, गांधार को सामान्य से। ठीक बात है। तो ये तो शिक्षा की बड़ी अच्छी पद्धति हुई, शिष्य का मस्तिष्क इससे खुल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, कुल कितने दिनों तक गुरुजी का सत्संग रहा आपका? मैं कहती हूँ ना, 36 वर्ष। 36 वर्ष तक? 30 और 6। ठीक बात है। तो बड़ा मैंने भगवान की बड़ी कृपा रही आप पर, इसमें कोई संदेह नहीं। और गुरु की इतनी कृपा होना और शिष्य को इतना अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, भाग्य मेरा। अच्छा एक बात है माई, कभी कभी ऐसा भी होता है अभ्यास में, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुरु नाराज भी हो जाते हैं, वो तो गुरु होते हैं। कभी आपके गुरुजी आपसे नाराज तो नहीं? कभी नाराज नहीं। तो फिर कुछ इनाम दिया होगा उन्होंने? जी, कुछ इनाम दिया होगा। बहुत, मैंने कहा ना पहले छोटी थी, दो आने चार पैसे देते थे। और जब जवान हो गई जी तो ईद आती है उनकी जी,
तो 2 रुपए देना। ईद पर नजीर खान साहब आपको 2 रुपए इनाम दे देते हैं। ठीक बात है। 2 ईद होती है उनकी। जी हाँ। बरस में। जी हाँ जी हाँ। तो कभी कभी ये कहते क्या दो तेरे को। जी। तो मैं क्या कहती थी देना है तो रात देना। हाँ। और नहीं हमको होना और समझ जाएगी। हाँ। अभी 2 रुपए 4 रुपए नहीं होना। अभी तो भागखंड सब बहुत हस्त थे। अच्छा। ऐसे राग देना जी। कि कोई गाय नहीं जी। अरे बेटा तू यमन भी जो गाएगी मेरे कहते थे तो कोई गवैया यमन गाने नहीं सकता। ठीक बात है। ऐसा कहते थे। हाँ, तो भागखंड साहब में और नजीर खान साहब में तो बड़ी मित्रता थी। बहुत प्रेम था। बहुत बड़ी मित्रता। सगे भाई से ज्यादा दोनों चाहते। ठीक बात है। अच्छा माई, ऐसा है कि उस जमाने में जो बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे गवैये थे, बहुत, बहुत। गाने वाली औरतें बहुत अच्छी थीं, तो आपका अधिक संबंध जिनसे रहा हो जी। ऐसी आपकी सहेलियां कौन कौन थी? मेरी सहेलियां तो बहुत सी थी, वो कायकू होना जी। और नाम की सहेलियां, लेकिन मैंने जो देखा अजब हुआ जी। मेरे को ऐसी औरतों में 4 औरतें सुनी मैंने। अच्छा, कौन कौन सी? एक तो पहले चंद्रावली। चंद्रावली पहले जी। एक चंद्रावली कहाँ की थी? कहाँ की थी वो नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन इनायत हुसैन खान साहब की पट्टी शिष्या। अच्छा, अच्छा। जैसी भैया नजर खान ने हमको बनाई जी, वैसे इनायत हुसैन खान ने उनको बनाई। इनायत हुसैन खान साहब सैसवान वाले? हाँ, नहीं अपने वही रामपुर वाले। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी वो बहादुर हुसैन खान साहब के जो शागिर्द था। ठीक बात है। इनायत हुसैन खान साहब ने उन्हें चंद्रावली जी को बनाया। और ऐसी बनाई वो देखा, वो कैसा मालूम हुआ हमको, बम्बे आई वो जी। तो जब उसका गाना किया अपने नारायण आश्रम में, तो आपको क्या कहूँ, वो तो बैठी भातखंड साहब थे और क्लब के आदमी थे, ये सब भाइया थे, गवैया थे बहुत से जी। और भातखंड साहब पूजा गाई जी 8 बजे रात को जी, 1.5-2 घंटे बजी वो जी। और भातखंड साहब को पूछने लगी और तरह से बजू। भातखंड साहब कहने लगे इतनी बड़ी और तरह से क्या, तो कहने लगे ऐसा हाथ जोड़ के भातखंड साहब कहने भाई आप जितने बनना चाहते हो उतना ही बढ़ो। ये एक बड़ी बात हो गई। जब तक वो बाई गाई जब तक हमारे गुरु ऐसे बैठे थे जैसे बच्चे सामने बैठते हुए, अब दूसरे भी गवाई है ये बाई के सामने, तो क्या उसका मादा होगा वो बाई। अच्छी शिक्षा, गुरु की कृपा, शिष्य का अभ्यास। अच्छा, तो एक तो थी ये चंद्रावली जी, दूसरी जो सुनी हमने जो हमारे मेरे जमाने में जी हाँ, रेशम जान। अच्छा, तानसका के घराने की। अच्छा, हैदराबाद। नाम भी बड़ा अच्छा है। वाह, बड़ा कोमल, बड़ा चिकना नाम है रेशम जान। शादी की इतना वो जो इनके दीवान रहते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान एक हिंदू, ठीक है, उसमें की किसके इसकी शादी हो गई थी। अच्छा ठीक है। तो वो किसके सामने तो गाती नहीं थी जी। और मैंने भी गाना सोच दिया था। अच्छा। जब वो बम्बे आई जब हमारे गुरु को कहा हमको मेरे को सुनना है जी, तो कहने लगे आपको सुनना है जी, तो हमको भी रेशम भाई रेशम जान का गाना सुनना है जी। तो कहने लगे जरूर। तो हम लोग सब गए थे उनके मकान के, खाना पीना बहुत किया था जी। तो उसने ऐसा सुनाया, सरदार बख्श था उसके साथ, इनका लड़का अब्दुल करीम खान साहब थे। अच्छा। उनके लड़के इनके तानसका ध्रुपद धमाल गाई पहले। अच्छा, रेशम जान साहब। रेशम जान ध्रुपद धमाल गाई और पीछे उन्होंने हिंडोल का ख्याल गाया। अच्छा। बराबर जन्म है मेरे जी, लेकिन ऐसी गाई है हिंडोल का ख्याल जिसको हिंडोल ही कहते हैं। वाह, जैसा नाम वैसे ही काम। अच्छा, तो दूसरी थी ये रेशम जान। अच्छा, तीसरी हमारे जमाने की ये जोराबाई। जोराबाई कहाँ की? जोराबाई कहाँ की रहने वाली, लेकिन इनकी शागिर्द कहती थी अल्लाह बंदे जाकुरुद्दीन की। अच्छा, वो जोरा अल्लाह बंदे खान साहब जाकुरुद्दीन की। अच्छा ठीक है। ये ठीक जी, लेकिन उसका भी गाना हमको जो आला पी वो तो इनको तो सुना था हमने जी। एक भाई को तो अच्छे जैसे भातखंडे साहब ने बुलवाया था अल्लाह बंदे को जी, लेकिन हमको इतना दिल को जता नहीं। ठीक बात है। और हमारे गुरु कहने लगे ये आलाप तो उसी ढंग से किया, जरूर किया ठीक, लेकिन जो वो आलाप में बीन थी जी, वो उनके आलाप तो बिल्कुल बीन बस्ती जैसा होता ठीक है, ठीक है। तो वो नहीं देखा। अच्छा अच्छा ठीक है। तीसरी दोहराव है जी, और चौथी
चौथी कहती हूँ आपको, वो बनारस की जो थी पहले जो हमने सुना उसनावाई। अच्छा। वो ख्याल भी गाती थी। अच्छा। तुम भी गाती, लेकिन अच्छा। ये वैष्णो महाराज क्या उन्होंने लाई। अच्छा। वो हो गया गाना पीछे विद्याधरी बाई, विद्याधरी बाई को तो अपने आप ही महाराज के सामने भी हमारे गाई है। अच्छा। हमारे यहाँ उनका गाना हमको सुनने को आती थी, विद्याधरी बाई तो बहुत सुना है। अच्छा। विद्याधरी और दूसरा एक कुछ नाम, हाँ बड़ी मोती भाई बड़ी मोती भाई तो उसको मोहिउद्दीन ने कहा था जी, तो जब अंत होगा मोहिउद्दीन खान साहब ने कहा था, जी जब उनका अंत होने का वक्त आया जी, तो इसको मोती भाई अभी जिंदी है आप पूछ लेना, जी हाँ जी, तो कहने लगे कि बेटा सीखना है कि एक ही हिंदुस्तान में है जो जिसको आलाप जिसको ख्याल किस तरह से गाया जाता जी। तो इसने इसके बाप ने पूछा मोती भाई के, कहते कौन है सा जी, तो अंजनी बाई करके लड़की है जी। उसके पास तू जा। हाँ तो आप पर तो गुरु की कृपा थी। हाँ ठीक बात है। हाँ तो वो आई, मैं लाई थी उसको यहाँ अभी। अच्छा एक बात बताइए माई जी, ये जो ये खंड मेरु कुछ लोग कहते हैं, कुछ मेरु खंड कहते हैं, मेरे खंड। अच्छा खैर वो जो कुछ भी तो गुणी लोग हैं। और आप लोग हिंदुस्तानी हमारे भैया जी कहते खंड मेरे कहते ठीक है। वो जो 5040 ताने थी क्या वो आपके गुरु ने अपने शिष्यों को कराई थी? हाँ मेरे को करवाई। आपको कराई थी? कितना समय लगा? इसको कुछ लगा एक बरस। एक बरस लगा। अच्छा उसके करने से क्या फायदा है? कोई राग तो बनता नहीं उससे? राग नहीं बनता लेकिन राग बनाने सकते हैं। अच्छा अभी देखो गंडार का उनके पर एक थोड़ी बात कहते हैं जी हाँ, गंडार की 6 ताने हैं जी हाँ, सारेगा सागा रे रे सागा रेगा सागा सारेगा रे सा जी ठीक है। सातवीं तान किसने निकाली? ना हरिदास साहब ने निकाली ना तानसेन जी ने, संभव नहीं। मध्यम हो गई तो 24 हो गई जी हाँ ठीक है। अभी समझो 6 ताने जो गंडार तरह बढ़ो तो कितने, एक 5 मिनट में आप बन सकते हो। ठीक बात है। ठीक बात है। ऐसे मध्यम की भी ताने जी 24 कौन सी राग की समझो जिसमें मध्यम नहीं जी, 3 सुन में मिलना चाहिए। अब ये 7 से कहती हूँ आपको, आपके गुरु ने रहस्य बताया जो बताया सो मैं कहती हूँ सच्चा है कि झूठा है। ठीक है। मुझे ये मालूम है कि नजीर खान साहब जिन शिष्यों को बहुत प्यार करते थे उनको वो अवश्य कराते थे। ये ठीक बात है। कभी हमको डटाया नहीं। अब डटाए एक रोज हमारे माँ ने वो अड़ाना सिखाते थे जी, तो उसमें कोमल गंडार जी, और मैं हमें लगाऊ थी बस जी। एक दो दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 2 महीने हो गए गंडार नहीं रखती नहीं, और ज्यादा किया तो मैं ऐसे ये करके बैठती थी जी, मैं नहीं लगाऊ जी। तो मेरे माँ ने क्या किया, छड़ी और बेत की छड़ी होती है जी, वो लाके भैया जी के पास दी। अच्छा हाँ, आपके गुरु जी के पास? मेरे गुरु जी के पास जी। छड़ी लाके रखी, छड़ी बेत की जी, तो लाके कहने लगे एक फटका। इतना हमको तो किसने फटकाया ना कोई जोर से बोला, इतना हमारे माँ ने कहना जो मैं ना रोना सु 10 वर्ष के हो गए उस वक्त 10-11। नजर खा तो ये कहने लगे सीकर क्या किया भाई, बहन जी कहते थे मुझे, एक बेचारी सीखती वो 3 दिन अभी हम कुछ खाली उसका मुंह उसका रोना बंद करने को पड़ा है, 3 दिन नहीं गाएगी बस उनको देखा फिर रोना। भैया जी ने वो छेड़ी ली, गुरु ने मेरी छेड़ी ली, गुरु ने कभी चढ़ा ऐसा भी कभी जो किया नहीं, बड़े प्यार से बताया, बहुत उत्साह दिया, कभी डांटा नहीं, नहीं कभी। ठीक बात है। जब आपके गुरु जी आपको स्वर सधवाते थे जैसे सा लगवा रहे हैं तो कितनी देर तक सा पर रुकने के लिए कहते थे? पहले तो हमारा 5-10 सेकंड ही चलता था जी, तो उन्होंने वो देखा तो कहने पहले पहले आपको अभ्यास की बात करती हूँ, एक तार के ऊपर, एक तार, एक वाह, एक तार के ऊपर 6 महीने गवाया। एक तार तो सुरा हो ही नहीं सकता, एक तार तो सुरा हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। वाह, एक तार और पीछे एक स्वर के 2 तार किए 6 महीने के बाद। अच्छा, मैं अभी भी मेरे आपको कहूँ मेरे समुद्र के 2 स्वर है जी, मैं 2 स्वर के ऊपर गाती हूँ। अच्छा, सापा बस ठीक है, 2 पंचम और 2 स्वर वो मध्यम के वो पंचम दो। अच्छा। आज भी वही गा रहे हैं। अच्छा, तो पीछे एक स्वर के 2 तारे थी जी, ये 6 महीने हो गए, 7वें स्वर इसमें लगाना, 7 सारे गामा पर से 1 स्वर के ऊपर 7वें स्वर लगा के लिए पीछे 2 स्वर के, और पीछे 7वें स्वर लगे, जब वो कैसे लगे जी, तो उनने उस दिन से ये शुरुआत की दिन को आना जी,
चढ़वा स्वस्थ कर सा ये जी, कर जी, 5 सेकंड लगे जी, छोड़ दे जी, ऐसा करके करके 10 मिनट राज किया जी, 11 मिनट को छठा श्वास हुआ जी, ऐसे करते करते 1 बरस लगा जी, 1 मिनट का श्वास करने का जी। जब लाइट देना है आपको, ये कहते थे लाइट जो देना है स्वर क्या तो स्वर के ऊपर थे दीपक जैसी लो हो जाए, हाँ, प्रकाश हो जाए, हाँ, वाह। और दूसरी बात ये कहते थे कितने वक्त ऐसा हुआ है जी, कि स्वर हमारे गले से 2-4 वक्त जलसे में मेरे हाथ से तमुरा छूटा है, भर महफल में जी, जब बिल्कुल स्वर लगा आँख बंद करके तो ये मालूम होता है स्वर का दर्शन हुआ। गणपत राव भैया ने कहा है जी, अरे क्या कहते हो, जमीन से स्वर निकल रहा है, दीवार से स्वर निकल रहा है, आकाश से स्वर, ये गणपत राव भैया के बरुण भैया के लग जाए। ठीक, वाह। तो बात ये है कि जब तक अच्छी साधना न हो, जब तक परिश्रम न हो, और भी जब तक अच्छी शिक्षा न हो, तब तक ये बात आती नहीं, ये प्रकाश नहीं होता, गवैया बन नहीं सकता। अच्छा, मैं एक बात बताइए, आपके जमाने में बहुत सारे राग ऐसे गाए जाते थे जो राग आज भी गाए जाते हैं, तो क्या कुछ रागों के रूपों में अंतर आ गया है? आप ये पूछते हो, मेरे को बड़ा सवाल है, मैंने कहना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं पूछता। मैं सीधी सीधी बात कहती हूँ, बाकी तो छोड़ दो, कि ये तो महावेरे के राग, केदारा, हमीर, ग्राहक, ये तो महावेरे के राग, वो भी नहीं सच्चे जो गाते तो क्या थे? आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे केदारा है, हमीर है, बिहाग है, ये जो महावेरे के राग है या सामने के राग है, इनके इनका रूप भी बड़ा कुछ अजब कर दिया है, अजब। अच्छा, आपको कहूँ, जब तक उनको ना पूछो भैया ये कौन सा राग जी, जब तक जानने नहीं सकता। और ये जो गाते थे, एक 2-4 वक्त जो उनको सुना जी, कोई भी गाए पीछे, वही नहीं, ध्याप शुरू हुआ जी, हमें शुरू हुआ जी, ये मालूम होता था जी। अभी आपको भाई पहले से राग कोई गाते ही नहीं, कोई नहीं गाते, आपको कहूँ। वो तो एक कहावत है ना, तांत बाजी राग बूझा, आरंभ में पता चल जाना चाहिए, तो पुरानी गवैयों की मसल है। अच्छा, खैर, ये तो जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। भाई, गाने बजाने के जलसे पुराने जमाने में होते थे, सद्गुणी लोग बैठते थे, सुनते थे। अच्छा, पुरुषों में ऐसे गवैये कौन कौन से हुए जिनके गाने का आप पर बड़ा असर हुआ? पहले तो आपको कहूँ ग्वालियर वाले जी, भास्कर बुआ के गुरु। अच्छा, क्या शुभ नाम था उनका? फैज मोहम्मद। फैज मोहम्मद साहब भास्कर बुआ के वो गुरु थे? वही थे। अच्छा, वो जब बुआ के गुरु वही थे। क्या आपको कहूँ, स्वर लगाया, ये मालूम होता है कि हम अपने तो स्वर में लीन हो गए, लेकिन दूसरे को सुनने वालों के मालूम होता है कि अभी समाधि लगे थे, वो स्वयं तो लीन हो ही गए, और सुनने वाला भी जैसे आनंद के साथ पागल ही थे, समझो। ठीक, बिल्कुल बात करना पागल। अच्छा, जैसे ऐसे बैठे और स्वर लगाया तो बिल्कुल आपको चेहरा उनका मालूम होगा पागल है, लेकिन वो पागल ने दूसरे को पागल बना देते। ठीक है, स्वर में बिल्कुल डूब जाते थे, बहुत सुरीले थे। दो गवैये सुने हमने जी, एक फैज मोहम्मद और रहमत खान। हमारे रहमत खान की तो बात ये थी जी कि वो गाते थे जी, सारे तानों ग्वालियर घराने की, वो बैल पेंच वगैरह ये नहीं जी, लेकिन उनके मुंह के पास जाके देखना चाहिए था कि कौन गा रहा है। अच्छा, इतना जुड़ रहना कि तैयार होगा तो ये तो हिलेंगे जरा, अगर ये तो हिला कुछ तो हिला, मुद्रा दोष बिल्कुल नहीं था, नहीं ये बैठे सीधे साधे बैठे, समाधि में बैठे। और आपको कौन जाके मुंह खुला कौन गा रहा है यहाँ, तो ये मत खा ऐसे ये। और इनका तो फैज मोहम्मद खां का तो ऐसा था कि बाद बीच कुछ गाते वक्त जारी बात तो करते ही नहीं थे वो, लेकिन उनकी ये चौथा नाम जो मैंने आपको कहा ना, मूंगी भाई, इनकी अच्छा, उस वक्त मूंगी भाई इनकी शागरी फैज मोहम्मद की, फैज मोहम्मद साहब की शागरी। हमने तो बुद्धि देखी उनको, बुद्धि भी देखी और गाना भी बुढ़ा सुना। अच्छा, गाना बुढ़ा हो जाता है भाई? शरीर बुढ़ा हो गया ना, गाना कैसा बुढ़ा होगा? गाना कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो तो बढ़ता है ज्यादा, लेकिन शरीर समझो ऐसा हाथ का पा
पाँव का पैर चलते हुए दूसरे को पकड़ना, तो ये गाना भी बुढ़ा ही कहना चाहिए ना। मन मन तो बुढ़ा नहीं, बहुत बहुत तेज होता है। आ, मन नहीं बुढ़ा होता, मनोबल बहुत बढ़ता है। अच्छा। जैसा जैसा वो बड़ा होता है उसका विचार होता है। आज की बात मैं कहती हूँ आपको कि जो जरा मेरे सिर में जो गाने की संगीत को उनको इसी राग की बात इन घर में पूछना मेरे बच्चों को जी। तो मेरे को हिला के चाल आया ऐसा। हमारे शागरी तो को आप पूछना जी। मेरे को शुद्ध नहीं रहती जो मैंने शुद्ध लगाया गाते हो। इन लोगों ने हमको शुद्धि में लाना चाहिए, शुद्ध मात्र सुर में लगना चाहिए। सुर में डूबना चाहिए। हाँ डूबना, हम डूबना चाहिए ये नहीं। शरीर शरीर मन दिल सारा अंग डूबना चाहिए। मन मैं आप कहूंगी दिखाऊंगी और लोगों मैं शागृत को भी बुलाऊंगी तो पूछना कि वो ये लोग हमको हिलाते हैं बानी। कोई कहता है माई, कोई कहता सासू गए चाल आया। जब एकदम कोई शुद्ध में आता है ऐसा देखती हूँ। कितने वक्त हमारा मेहनत करते हो, हमारा दरवाजा खोली का माँ को हमारे तोड़ना पड़ा है। मैं देव के खोज में तमुरा लेकर। यानी मतलब आपका ये है कि भाई अभ्यास में अच्छे आदमी को इतना आनंद आना चाहिए कि उसे स्वर में इतना डूब जाना चाहिए कि न उसे खाने की सूत्र है न पीने की सूत्र है। ठीक बात है। जब तक इतना डूबेगा नहीं तब तक न तो आनंद ले सकता है, ले नहीं सकता, दूसरे को दे नहीं सकता। ठीक बात है। अच्छा माई मैं और दो एक सवाल आपसे करूंगा। मैंने बड़ा कष्ट दिया आपको। बड़े बूढ़े लोग गाना किस उम्र में छोड़ देते थे? गाना तो छोड़ा और पहले तो बड़े आदमी पहले वो छोटे उम्र में तो गए ही नहीं कोई। अच्छा। जो जो हमने सुने तो वो कोई गया 75 बरस में। अच्छा। कोई गया 80 बरस में जी। तो जवानी में ये लोग क्या कहते थे मालूम है? टीवी किसको होगा जी, टीवी वालों के हम टीवी अच्छा करेंगे। अच्छा। हमको टीवी वालों का टीवी अच्छा करेंगे, टीवी का अच्छा करने वाले हम लोग हैं। वाह। हमको टीवी और हमारा तो कलीजा ऐसा है कि पत्थर के जैसा लोखंड का बना हुआ है। ये मैंने कहा कि एक लाल खां करके गवैये थे। अच्छा। यहाँ बम्बई में आए थे वो तो लाल खां ने ये कहा। लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धे बुद्धे तो क्या हो गए, शरीर बुद्धा हो गया। ठीक बात है। यही जो बीच में जो है जहाँ से जो सूर्य ईश्वर दिखा रहा है वो कभी बुद्धा नहीं होता। जी ठीक बात है। तो जब तक गला काम करे, जब तक अंग काम करे, जब तक सुर लगे मैं तब तक गाना चाहिए, आनंद के साथ गाना चाहिए। अभी क्या लेना चाहिए इस उम्र में? शोट। अच्छा। हाँ अभी गाना बिना तो दूर हो गया, एक सामने वाला गाएगा कैसा, इसका शोध लेना चाहिए। शोध लेना और चाहिए। वो आपको कौन शोध होता है, शोधना जिसको कहते हैं जी। ये अभ्यास अभी इस उम्र में लोगों ने ये किया अभ्यास जो तैयार किए सरंगी है पखवाजे अगर बीन का इस उम्र में तैयार किए लोगों ने। ठीक बात। यानी जब अपनी आयु अधिक परिपक्व हो गई, अनुभव हो गया, सैकड़ों रास्ते मालूम हो गए, तब शिष्यों को बताया और तैयार किया। ये ठीक बात है। अच्छा मैं एक बात बताइए, अपने गुरु की तरफ तो श्रद्धा रखना शिष्य का धर्म है, अपनी परंपरा को जानना धर्म है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोगों के गाने में भी कुछ अच्छाई दिखाई देती है, कुछ बातें अच्छी मालूम होती है। तो मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो जहां तक हो सके अपने आप में कमी नहीं देखना चाहता। तो क्या ऐसा भी हुआ कि कभी कभी आपको कुछ और गवैयों की कोई बात अच्छी लगी हो, स्वर का लगाव है या भी कोई खास चलने का ढंग है, तो वो उस प्रभाव को आपने ले लिया हो? जी ऐसा एक बात कहूं जी, अब्दुल करीम कर्नाटक से यहाँ आए, मिरज वाले अब्दुल करीम जी। कहाँ वाले? मिरज वाले, हीराबाई के, हीराबाई के नाम तो सुना हुआ। जी हाँ जी हाँ जी। अब्दुल करीम उनका नाम जी, अभी उनकी अब्दुल करीम साहब, वो मिरज वाले कहते हैं जी। तो यहाँ आए हो जी, तो यहाँ इनका गाना हुआ लक्ष्मीबाग में जी। लक्ष्मीबाग में गाना जो तो हम भी गए, हम गए सुना जी, सुना जो तो आपको कहूँ क्या हो गया कि मैंने ये जो स्वर लगाया वो हमको अच्छा लगा। अब्दुल करीम खान साहब ने जो स्वर लगाया वो लगा, वो आपको अच्छा लगा? ये करके लगाते थे ना बिल्कुल यहाँ का टांसिल का तमसा, तो हमको बड़ा बहुत सुर में ऐसा मालूम हुआ कि तंबुरे में तार में मिले इतना हमने लिया जी।
आए घर पे उनका गाना सुन के, और तो कुछ नहीं था, उन्हें बड़ा बिरत बिरत कुछ नहीं थी, सास सब तो बिल्कुल नहीं था जी। तो आए जो घर पे, तो तालीम के सुबह आए हमारे, 4 बजे आते थे सुबह 4 बजे जी। तो करते करते तो मैंने कहा, जरा तू गई थी कल? हाँ मैंने कहा सुना? हाँ। कैसे गाए? मैंने कहा भैया जी बहुत सुरेल। अच्छा सुरेल मैंने तेजवा क्या वो चिड़िया कहते थे मेरे को, क्या दिखाओ कैसे लगाते थे, कैसे सुरेल थे वो? हाँ, क्या बात थी? हाँ ठीक। आवाज तो मैंने वो सुर की आवाज लगाई जी, मेरे माँ को उस वक्त तो ध्यान में नहीं आया, मैंने कहा खुश हो गए, मैंने वो आवाज लगाई नकल करके, तो गुरु मेरे खुश हो गए। मेरे माँ को कहने लगे, जरा टाशनी है आपके पास? टाशनी, टाशनी जो सी सी की टाशनी लेते ना ऊपर, कहाँ भी लगाते है कागज को लगाते है, तो वो हमेशा दांत में कुछ गया तो निकालने के वास्ते, हम क्या समझे कुछ खाया भैया जी ने तो दांत में वो गया होगा तो दांत खुरेदने के लिए। हाँ ठीक है। हमारे भाई ने लाके दी चकचकी अच्छी टाटनी जी, 2-4 महीने की। चलो जरा मुंह तो खोल, मेरे को कहने के जी मुंह तो खोल भाई, जरा मुंह तो खोल जी। आपको को मेरी जीभ को लगाई, अच्छा जीभ को लगाई तो तेज करके लोही निकला जी, फिर से ये गला लाएगी तू? हाँ। आज तो तूने मेरे को दिखाया जी, आज जो ये बर ना करो तो मेरे संगीत में भी ये गला तेरा आएगा जी। ताश नहीं लगाए उस दिन से इतना किया जीभ में चुबा दिया वो आज इसकी नक्कल के सामने हमको दिखाना नहीं। अच्छा भाई, आपने बड़ी कृपा की और भगवान का ये अनुग्रह था कि हमारी आज इतनी बातचीत हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं अब धन्यवाद तो क्या दूं, आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन फिर भी आपने बड़ा कष्ट किया और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। ये भी मैं भी कहती हूँ आप विनती करके कि ऐसे पंडित से कोई जो पूछे तो मैं क्या कहूँ, मैं तो मुझसे नहीं कह सकता, कलेजा चीर के दिखाऊं तो भी कम है आपके वास्ते। ये तो ये आपका स्नेह है, ये हमारा तो कर्तव्य ही है कि आप जो अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने जमाना देखा है, जिन्होंने बड़े बूढ़ों को सुना है, हम उनसे बड़े बूढ़ों की बातें सुने, उससे हम पाठ लें, उससे हम सबक लें। और गाने में पहला सुना जो किसको? चिन्ना भाई। अच्छा। बंदे लिखा साहब जी। चिन्ना आपको कौन? जिस दिन चिन्ना भाई को सुना उस दिन ये लगा कि ये गायकी मेरे गले में आए जी। तो धन्य था वही गायकी मेरे गले में मेरे गुरु ने गाई। अच्छा, ये कहाँ की थी चिन्ना भाई? बंदे लिखा साहब जो बिन का थे। अच्छा, उनके भाई जो थी चिन्ना भाई। अच्छा भाई, बड़ी कृपा की आपने, और जीवन नरो भद्र शतानी पश्येत, एक संस्कृत की कहावत है, मनुष्य जब जीवित रहता है तो अनेक अच्छी बातें देखता है। ईश्वर करे फिर ऐसा अवसर कभी आए, हम लोग फिर परस्पर मिले, फिर बैठे। अच्छा, धन्यवाद।